महंगा होता था, लाख डेढ़ लाख दो लाख ढाई लाख रुपये लगते थे। श्री सत्य साई और हार्ट हॉस्पिटल अहमदाबाद के और राजकोट के अंदर भी इनका मैं खुद देख के आया था। मैं गया वहाँ देखने के लिए, बहुत मैं प्रभावित हुआ कि किस प्रकार से पूरे देश भर के बच्चे, छोटे बच्चे, उनका पूरी तरह फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क इलाज होना हिंदुस्तान में पहली बार है। हम लोग खाली 5,000 रुपये देते हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री रेलवे फंड से आने जाने का खाली। उतरते स्टेशन पर उससे लगा करके वापस इलाज करवा के ट्रेन में बिठाने तक की जिम्मेवारी इंटरेस्ट की है। इस प्रकार कोई भी सेवा नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की सेवा करते हैं, बहुत कम। ऐसे एनजीओ भी हैं, एनजीओ की कमी नहीं है, समाज सेवी की कमी नहीं राजस्थान के अंदर, तो एक परंपरा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी परंपरा बरसों से है। हमारे यहाँ दान दाता सेवा भाई की कमी नहीं है। और एक जो श्री सत्य साई बाबा के नाम से एक ऐसा बनाया हॉस्पिटल जहाँ पर मैं खुद वार्डों में गया, जब बहुत छोटे बच्चे भर्ती थे उनको मैंने देखा था और मैं बहुत देखा कि कितने छोटे बच्चे जिनकी जिंदगी में गांव का है, ढाणी का है, और अगर कोई इतना नहीं मिलती तो कैसे इलाज करो। तो मुख्य बात होती है कोई स्कीम सरकार बनाती है वो एक काम। मैंने अभी बजट में घोषणाएं करी है जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, 10 लाख का, 10 लाख का सबका बीमा कर, पूरे प्रदेशवासियों का बीमा कर दिया। गरीब है, अमीर है, कोई भी है, तमाम प्रदेशवासियों को 10 लाख तक इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। और कोई किडनी या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, कोई कैंसर हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट होना है, तो 15-20 लाख रुपए खर्च होते हैं। उसका हमने तय किया, वो भी सरकार भरेगी, उनको नहीं भरना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल जो राजस्थान में आईपीडी इंडोर भी और आउटडोर भी, पूरा खर्चा सरकार देगी, अस्पताल फ्री इलाज करेगा। कोई ऑपरेशन हो रहा है उसका भी सीटी स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, वो भी फ्री होगा राजस्थान के अंदर। फ्लैश को हुई थी अब तक 1 मई, 1 मई आ रही है ना, 1 मई से, 1 मई से हमने फॉर्मूले में शुरू कर दिया है। ये बात इसलिए कह रहा हूं आपको, जो बात मेरी छेड़ी थी, जो सत्य साई बाबा और क्रिकेट के साथ हमारा एमओ हुआ था, पहले 30 नवंबर को किया पिछली बार 19 को सरकार बनी थी हमारी, और अभी हाल ही के अंदर 22 मार्च को मैंने एक वापस एमओ किया है सरकार के साथ में और इनके ट्रस्ट के साथ में। ये बात मैंने इसलिए कही आपको कि मैंने घोषणा करने का फैसला किया बीमा होगा, आईपीडी फ्री होगा, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो भी फ्री होगा। पर अगर किसी गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को गांव में ढाले मालूम नहीं पड़ेगा तो उसका फायदा कैसे उठाएगा। और ये बात लागू होती है ये साई बाबा ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल के बारे में, रास्ता में लोग आए, मैंने भाग लिया यहाँ पर, मीटिंग करी, इन्होंने आज की तरह आप सब बैठे हुए हो उस ढंगे लोग को बुलाया। उस वक्त में भी मैं एक एक कमरे में गया देखने के लिए मरीजों को, बच्चों को, और उन बच्चों को ले जाया गया अहमदाबाद के अंदर और इलाज करवाया गया फ्री के अंदर। तो ढूंढना पड़ता है गरीब आदमी, सरकारी स्कीम बना के खुश नहीं हो सकती है। हमने सामने स्कीम बना दी है, अखबार में खबर भी आ गई है, लोगों ने प्रशंसा व्यक्त कर दी है, परंतु
अगर उसका लाभ हम नहीं उठा पाए, दे नहीं पाए लोगों को, तो फिर उसके मायने क्या है? उत्तर में क्या हम समाज में आगे आना चाहिए, हर प्रदेशवासी को आगे आना चाहिए, जिसको जानकारी मिले अखबारों में, टीवी में और कहीं से आगे उसको इतला करनी चाहिए। जैसे कि सरकार अभी मान लो मैं 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए ये जो बीमा किया हमने 10 लाख का, उन्हें 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी हो साथ में, भगवान करे वो एक्सीडेंट नहीं हो, हो जाए मान लो, तो उसके लिए 5 लाख का बीमा साथ में सत्य हो गया। इस प्रकार की स्कीम है, पर फायदा तो मिलेगा उनको, अगर फायदा तब मिलेगा तब आप लोग से, आपको मैं तो कल यार बैठे नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को मैं आह्वान कर रहा हूँ, उनको आगे आना चाहिए और सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम करना चाहिए और गरीब आदमी को गाइड करना चाहिए कि आपको इस प्रकार से इलाज फ्री हो सकता है।